देखिए टॉपिक का नाम है फंड की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जनरल एंड स्पेशल फंड्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होता, कैपिटल अकाउंट नहीं होता, मगर क्या करते हैं, जो एसेट और लाइबिलिटीज का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल फंड। ठीक है, जैसे नॉर्मल जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो पी एंड एल में से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसको हम कैपिटल के अंदर जोड़ते हैं बैलेंस शीट में, और लॉस होता है तो उसे माइनस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वो इस कैपिटल फंड के अंदर ऐड या लेस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सरप्लस आया है या वो डेफिसिट आया है। ठीक है, इसी कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और तरह का फंड होता है उसे कहते हैं हम स्पेशल फंड। स्पेशल फंड का मतलब होता है वो फंड जो कंपनी ने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किया हो। पर्पस क्या हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स फंड, एंडोमेंट फंड, बिल्डिंग फंड या ओल्ड एज फंड। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर फंड बनाया गया है उसको कहेंगे स्पेशल फंड। बट अगर वो एक जनरल फंड है, जनरल फंड का मतलब है उसका पैसा कंपनी किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकती है, उसको बोलेंगे हम जनरल फंड, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल फंड के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है, समझते हैं इसको। देखिए ये एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, ये 6 आइटम दे रखे हैं और वो बोलता है शो हाउ यू विल डील फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। याद रखने हैं आपने, जब भी कोई स्पेशल फंड होगा, स्पेशल फंड हमेशा आपका लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये दे रखा है स्पोर्ट्स फंड, इसका मतलब है इसके अंदर जो पैसा है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होगा सिर्फ, उसके अलावा ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। अब सीखते जाना है इसको, मैं सिखाता जा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड की वैल्यू है 5 लाख रुपए, इसको उठाकर मैं लाइबिलिटी में लाऊंगा, स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपए। उसके बाद 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2017। मैं जो बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 31 मार्च 2018 की, बट मैंने स्पोर्ट्स फंड में से इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी थी 1 अप्रैल 2017 को 5 लाख रुपए की। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 10% जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा मेरा 50,000 रुपए। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि मैं अभी तक इंटरेस्ट रिसीव कर चुका हूँ इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 37,500 रुपये, यानी कि टोटल 50,000 इंटरेस्ट बनना है जिसमें से 37,500 मिल चुका, तो 12,500 है अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो जो अक्रूड इंटरेस्ट है और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो मैंने उठाकर लिखे एसेट साइड में, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की, और जो इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम है मेरी, वो एसेट साइड में 12,500 रुपये। और जो टोटल इंटरेस्ट है इसका, इस इन्वेस्टमेंट का, वो सारा की सारा इंटरेस्ट 37,500 जो मिल चुका और 12,500 जो मिलना है, वो दोनों की दोनों मुझे फंड के अंदर ही ऐड करने हैं। उसके अलावा डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, मुझे 1,20,000 रुपये और मिले कहीं से डोनेशन के तौर पर स्पोर्ट्स फंड के अंदर, तो जो भी पैसा उस पर्टिकुलर फंड में रिसीव होना है उसको आप ऐड कर देंगे, तो मैं 1,20,000 रुपये को इस फंड के अंदर ऐड कर दूंगा। फिर मैंने क्या किया, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, इस फंड में से कुछ खर्चा किया मैंने, स्पोर्ट्स प्राइज बांटे, 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, माइनस कर दो, इनकम जोड़ते जाओ उस फंड में, जो जो पैसा आ रहा है जोड़ते जाओ, उस फंड में से जो जो पैसा जा रहा है उसे माइनस करते जाओ। उसके अलावा लास्ट आइटम एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000 रुपये, ये भी माइनस कर दिया, तो एंड में वैल्यू बची यहाँ पर 5,55,000 रुपये। तो आसान सा फंडा हमें क्या समझ में आया, जब भी स्पेशल फंड दे रखा होता है उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट अगर, वो तो जाएगी मेरी एसेट साइड में, इंटरेस्ट कोई आउटस्टैंडिंग है अभी तक नहीं मिला वो भी एसेट साइड में, मगर जितना टोटल इंटरेस्ट बनता है इस साल का वो सारा की सारा इंटरेस्ट फंड में जोड़ दो, उस फंड में कुछ पैसा रिसीव हुआ है जोड़ दो, उस फंड में से कुछ खर्चे किए हैं माइनस कर दो, और जो बैलेंस बचेगा आपका वो बैलेंस शीट में आपका शो हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है स्पेशल फंड की ट्रीटमेंट करने का। और देखते हैं क्वेश्चन, ये मैच एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए, मैच फंड, अब मैच नाम आ गया ना यहाँ पर, मैच फंड यानी कि ये फंड सिर्फ मैचेस कराने के लिए या मैचेस के पर्पस से इस्तेमाल होगा, तो ये हो गया मेरा स्पेशल फंड 4 लाख रुपए, डोनेशन मिली 2,40, मैच के टिकट बेचकर वहां से मुझे पैसा मिला 3,60,000 रुपए। ये पहला केस है, इस क्वेश्चन के अंदर दो केस है, केस 1 केस 2, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए। तो पहले हम ए पार्ट में जाएंगे, अभी
मैच फंड लिखा मैंने लायबिलिटी में 4 लाख रुपए। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन के अंदर ना डेट नहीं थी मुझे, फिर भी मुझे प्रॉपर फॉर्मेट बना के क्वेश्चन करना है। बैलेंस शीट एज एट डैश, डेट नहीं है, छोड़ दो डेट, होती तो मैं डेट डालता। तो मैच फंड लिखा मैंने 4 लाख रुपए का, उसमें डोनेशन मिली मुझे, डोनेशन फॉर मैच फंड के लिए मिली, इस फंड में जोड़ दो, 2,40,000 रुपए जोड़ दिए। मैच की टिकटें बेची, वहां से 3,60,000 रुपए आए, वो भी जोड़ दो। उसके बाद कुछ खर्चा हुआ वो माइनस कर दो, तो जो जो पैसा आ रहा है उस फंड में उसे जोड़ते जाते हैं और जो जो पैसा जा रहा है उसे माइनस करते जा रहे हैं। ये हो गया पार्ट ए। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय 2,50,000, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। यहां पर जो पहले पार्ट में मैच एक्सपेंस थे वो 8 लाख रुपए के थे, कहता है अगर ये मैच एक्सपेंसेस बढ़ के 2,50,000 रुपए और बढ़ जाएं, 10.5 लाख रुपए हो जाएं, और ये बाकी 3 आइटम में कोई चेंज नहीं है, तो बताओ क्या करेंगे। अब देखो इसी में देखते हैं, 4,00,000, 2,40,000 और 3,60,000, ये तो एज इट इज रहेगा मेरा, तो यहाँ पर भी मेरा 10 लाख रुपीज आएगा। मैच एक्सपेंसिस में पहले पार्ट में मैंने 8 लाख रुपए माइनस करे थे, बट अब वो बढ़कर हो गए 10.5 लाख रुपए। मेरे पास आज फंड में टोटल पैसा है 10 लाख रुपए, उसमें से मैं 10.5 के खर्चे नहीं बियर कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10 लाख रुपए लिखूंगा, यहाँ पर मैच एक्सपेंसिस लेस मैच एक्सपेंसिस 10 लाख रुपए, ये यहाँ पर आएगी वैल्यू नील। और जो 50,000 रुपए के खर्चे मेरे रह जाएंगे वो मैं लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में, ठीक है। ये थोड़ी सी नई चीज थी। तो अगर मैच फंड के अंदर टोटल पैसा उसके खर्चों को पूरा करने के लिए कम पड़ रहा है, तो जितने खर्चे पूरे हो सकते हैं उतने यहां से फंड से कर लो, और बाकी खर्चे जो एक्सेस बच गए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में हमने दिखा देने, ठीक है। इस तरीके से ये भी थोड़ा सा डिफरेंट था। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर ये 3 केसेस हैं और तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहला केस सिंपल लिखा हुआ जी, प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपए, यानी कि प्राइस बांटे और खर्चा हुआ 5,000 रुपए, इसमें किसी फंड का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये एक सिंपल मेरा खर्चा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में लिखूंगा 2 प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपए का, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का कोई फंड नहीं है। उसके बाद सेकंड केस में चलते हैं, प्राइस अवॉर्डेड 5, प्राइस फंड आ गया। अब यहां पर प्राइस फंड गिवन है मुझे 31 मार्च 2016 को 40,000 रुपए का, डोनेशन मिली मुझे इसी प्राइस फंड के लिए 7,200 रुपए की। अब क्योंकि प्राइस फंड गिवन है तो मैं जाऊंगा कहां पर, बैलेंस शीट के अंदर। अब इसके बैलेंस शीट बनाएंगे, बड़ा सिंपल है, प्राइस फंड लिखा, बैलेंस दिया हुआ है 40,000, डोनेशन मिली मैंने 7,200 की जोड़ दी, और प्राइस अवॉर्डेड जो खर्चा किया मैंने 5,000 का वो माइनस कर दिया, तो फंड की वैल्यू बच गई 42,200 रुपए, ठीक है। तो पहले वाले केस में कोई फंड नहीं था इसलिए मैंने वो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया, बट यहां पर क्योंकि एक स्पेशल फंड दे रखा है तो मैं लायबिलिटी में जाकर उस फंड में जो पैसा रिसीव हुआ उसे जोड़ दूंगा और जो खर्चे हुए वो माइनस कर दूंगा, तो बैलेंस मेरा निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड केस में, क्या कहता है वो, कहता है प्राइस अवॉर्डेड अगेन 5,000, प्राइस फंड भी 40,000 है, डोनेशन मिली 7,200 रुपए। इतना क्वेश्चन पार्ट बी के हिसाब से सेम है बिल्कुल। आगे 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है 40,000 रुपए की, उस पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 9%, और इंटरेस्ट रिसीव्ड अभी तक जो इंटरेस्ट मिल चुका है वो मिला है 2,700 रुपए का। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट उठाओ और एसेट में लिखो, 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए। अब इस पे जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, वर्किंग देखो यहां पर नोट में, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 40,000 का 9% 3,600 रुपए, और क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें यहां पर एंड में, 2,700 रुपए का इंटरेस्ट मिल चुका, तो 3,600 रुपए में से 2,700 का मिल गया, तो 900 रुपए का अभी आउटस्टैंडिंग है, और मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग कहां ले जाएंगे, एसेट में। तो 40 की लिखी इन्वेस्टमेंट और 900 का लिखा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अब जो टोटल इंटरेस्ट है वो तो है 3,600 का। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड में, फंड की वैल्यू दे रखी है 40,000, डोनेशन जो मिली जोड़ दो, जो इंटरेस्ट बनता है टोटल चाहे वो मिला चाहे वो नहीं मिला, सारा की सारा उठाकर हमने इसी फंड के अंदर जोड़ दिया 3,600 रुपीज, और प्राइस जो हमने खर्चा किया प्राइस बांटने पर 5,000 रुपए का वो मैंने माइनस कर दिया 5,000 रुपए, तो वैल्यू आ गई मेरी 45,800 रुपए। इस तरीके से हो गया मेरा थर्ड वाला केस।
है, तो यहां पर हमने सीख लिया कि इस चैप्टर के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड की ट्रीटमेंट अगर दे रखी है, फंड का क्वेश्चन आया है, स्पेशल फंड का क्वेश्चन आया है, तो किस तरीके से करना है, उस फंड की जो जो इनकम है वो उस फंड में जोड़ देनी है, जो जो खर्चे हो रहे हैं उस फंड में से माइनस कर देनी है, इन्वेस्टमेंट है एसेट में लिखो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बच रहा है वो भी एसेट में, मगर जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो सारा की सारा उस फंड में आपने जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से हम फंड की ट्रीटमेंट सीख गए आज।